बंद करे नाच गाना। क्यों क्यों? तो तेरे गाने में वो मगन मगन शब्द आता है ना, तो मुझे हमारा दुकान में वो मगन काम कर रहा है ना, तो उसका चेहरा याद आ रहा है बार बार। सॉरी, पर मैं तो सुंदर वीरा को याद करके गा रही थी। पर आपको मगन की याद आई और सुंदर वीरा की याद नहीं आई? नहीं। क्यों? याद हम उसको करते हैं ना जिसको हम भूल गए हो। पर सुंदर को कोई कैसे भूल सकता है, वो भूलने वाली चीज है ही नहीं। बराबर, मेरा सुंदर, मेरा वीरा तो लाखों में एक है। अरे हाँ, टप्पू के पापा, आपने अहमदाबाद जाने की टिकट करा ली? तुझे दुकान के उद्घाटन की तारीख पता है? नहीं। तो फिर मैं टिकट बुक कैसे करवाऊँ? मतलब जब भी आपको तारीख पता चले आप टिकट करा लेंगे। करवानी पड़ेगी ना भाई। करवानी तो पड़ेगी ही ना। यार सुंदर, कैसे तू? अरे बेटा, मैं तो एकदम मजे में हूँ, तू कैसी है? मैं भी एकदम मजे में। अच्छा बेटा, जीजा जी है? अरे तुम्हारे जीजा जी तो यहाँ पास में ही है। हाँ तो मेरा भाई डियर जीजा जी को फोन दो ना, मुझे उनका एक जरूरी काम है। अच्छी तरह से। हाँ, माय डियर जीजा जी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। वीरा बुला रहे। हाँ बोल। जीजा जी, नाम बताइए। ये क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ माय डियर जीजा जी, मैं जो दुकान खोल रहा हूँ उसके लिए एक बढ़िया सा नाम बताइए। अरे भाई, तुझे जो पसंद है वो रखना भाई, मुझे क्या पूछ रहा है? ऐसा नहीं जीजा जी, ऐसा क्या करते हो, नाम बताओ ना। ऐसा क्या कर रहे हो बताइए ना। हाँ। पर एकदम ऐसे अचानक पूछेगा तो कैसे बताऊं? दो तीन दिन का टाइम दे, सोच के बताता हूँ बाद में। अरे नहीं नहीं जीजा जी, दो तीन दिन का टाइम नहीं है, मुझे कार्ड छपवाने कार्ड। एक काम कर, टिप टॉप ड्रेस रख ले। अरे क्या जीजा जी, कैसे नाम बता रहे हो आप, टिप टॉप? अरे अहमदाबाद में 3517 दुकानें होगी इस नाम की, तो बढ़िया नाम बताओ ना। तो टिप टॉप कर दे, टिप टॉप ड्रेस। अरे क्या जीजा जी, आप ये टॉप टू टिप में पड़े हो, अब ये सब पुराना हो गया है। A1 ड्रेस। A1। अरे नहीं नहीं जीजा जी, ये तो बहुत कॉमन नाम है, कुछ अलग हटके नाम बताइए ना। अरे हाँ वीरा, एक काम करो। हाँ। अरे उसकी बाबा सूट बेबी सूट की दुकान है, वो बैंड बजा की दुकान नहीं है, ढिंचक। हाँ हाँ, पर वीरा ने कहा ना कुछ हटके। वीरा। हाँ। हटके ड्रेस, ऐसा नाम रखे तो। अरे लेकिन हटके नाम क्यों रखना है भाई, कोई सादा सा सिंपल नाम रख लेना, जैसे मैंने रखा है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वैसा तू भी अपने नाम से रख ले सुंदर ड्रेस। क्या बात है माय डियर जीजा जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, मिल गया मुझे नाम, सुंदरलाल बाबा सूट बेबी सूट वाले, वाह थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू। वाह वाह वीरा। एक मिनट, एक खास बात बतानी तो रह गई। कल मैं मुंबई आ रहा हूँ आपसे थोड़े आशीर्वाद लेने। आशीर्वाद के नगद? अरे भाई मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है, उसके लिए मुंबई आने की जरूरत नहीं है। अरे माय डियर जीजा जी, मुझे आपके आशीर्वाद भी लेने हैं और दुकान के लिए माल भी खरीदना है। मुंबई से? हाँ, नहीं तो क्या अहमदाबाद से। अरे मुंबई से क्यों खरीदना है, मुंबई से महंगा पड़ेगा। अरे माय डियर जीजा जी, मुझे कहाँ रिटेल से माल खरीदना है, मुझे तो होलसेल में से माल खरीदना है, और मुंबई में जो वैरायटी मिलती है ना, वैसी वैरायटी कहीं नहीं मिलती। जीजा जी, कल आप मेरे लिए थोड़ा टाइम निकालना, कल मुझे आपकी मदद की खास जरूरत पड़ेगी। मेरी मदद किस चीज में, क्या
वो मैं कल मिलके बताता हूँ ना। चलिए गुड नाइट माय डियर जीजा जी, गुड नाइट बेना। गुड नाइट भाई। नपावन बोला ही नहीं क्या मदद चाहिए? अरे मदद और क्या हो सकती है, पैसे चाहिए होंगे। हे भगवान, आपने दया को अपनी माँ के इकलौते संतान क्यों नहीं बनाया? अरे टप्पू के पापा कहाँ खो गए, क्या सोच रहे हैं? चलिए अभी सो जाइए। क्या सो जाइए, आज अभी नींद आने वाली नहीं है। कहाँ से आएगी नींद, कोई सुंदर वीरा आ रहा है, बच जाएगा। उम्दाज से आएगा वीरा, बनाऊंगी शीरा, केसर पिस्ता बादाम का, केसर पिस्ता बादाम का। बस सो जाओ, सो जाओ अभी। केसर पिस्ता बादाम का, केसर पिस्ता बादाम का। केसर पिस्ता बादाम, सो जाओ। हेलो। हाँ जेठा भाई, पेमेंट के लिए आदमी को कब भेजूं? पेमेंट? कौन सा पेमेंट, कौन बोल रहा है? अरे कपड़ा मार्केट से शर्मा जी बोल रहा हूँ। शर्मा जी, आप कौन से पेमेंट की बात कर रहे हैं? मैंने तो आपसे कोई कपड़ा नहीं लिया है। अरे आपने नहीं, आपके साले साहब ने लिया है माल, पूरा 50 ताका। 50 ताका? भाई हमने तो आपका नाम सुन के माल दे दिया था। आदमी भेज रहा हूँ, चेक दे दीजिएगा। 50 ताका? मेरा अंदाजा सही निकला। सुंदर कल फोन में मदद की बात कर रहा था, तो ये मदद चाहिए। नपावट ने पेमेंट मेरे गले बंद के माल पहले ही उठा लिया। हाँ सेठ जी, यहाँ दुकान में 3 लोग आए हैं, वो लोग पेमेंट मांग रहे हैं। किस चीज का पेमेंट? वो कपड़े का जो सुंदर भाई ने लिया है। अरे नहीं नहीं, उनको बोल भाई, सुंदर ने माल उठाया तो पेमेंट वही करेगा ना, हमारा क्या लेना देना। लेकिन सेठ जी, ये लोग कह रहे हैं कि सुंदर भाई ने कपड़ा आपके नाम पे लिया है। एक मिनट, मैं सुंदर से बात करके तुझे वापस फोन करता हूँ, ठीक है? जी सेठ जी। अरे सुंदर, आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। देखो चालबाज, फोन स्विच ऑफ करके बैठा है। टप्पू के पापा, आपसे मिलने कोई आए है। कौन है? हाँ बोलिए जी, पेमेंट लेने के लिए आए। किस चीज का पेमेंट? कपड़े का, आपके साले सुंदर ने हमसे लिए। मेरा 2 लाख का पेमेंट बाकी है, और मेरा 5 लाख, मेरा 7 लाख, और मेरा 10 लाख का बाकी है। अरे टप्पू के पापा, क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता है बहुत ही बुरा सपना देखा मैंने। देखिए, बुरे विचार को मन में से निकाल दीजिए और अच्छा अच्छा सोचिए। सुंदर हीरा के बारे में सोचिए, मस्त नींद आ जाएगी। अरे उसी की वजह से तो बुरे सपने आ रहे थे। टप्पू के पापा, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, सो जा। मैंने अभी ये जो सपना देखा, कहीं वो सच ना हो जाए। नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलो। अरे क्या शुभ शुभ बोलो, सपना सच होने का फुल चांस है। क्या करूं, कुछ बहाना बनाकर 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर गांव भाग जाऊं? नहीं, मुसीबत से भाग के उससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, उसका सामना करके ही उसे दूर किया जा सकता है। इस बार मैं सुंदर का सामना करूंगा, इस बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो आगे से मुझे झांसे में लेने से पहले 100 बार सोचेगा। मैं भी जेठालाल घड़ा कच्ची मारू हूँ। सुंदर तू आ, आ तू मुंबई आ, कल मैं तुझे दिखाता हूँ कि जेठालाल घड़ा क्या चीज है। ये देखिए, ये सैंडविच हो गया, ये कचौड़ी, ये खांडवी, ये पा
सुबह हुई नहीं कि सुंदर पुराण शुरू। वाह बहु, आज इतना सारा नाश्ता बना है, कुछ खास है आज? हाँ वो बापूजी, आज मेरा सुंदर हीरा आ रहा है। अच्छा, इसलिए सब उसके पसंद का ही नाश्ता बनाया है। अरे वाह वाह, सरस सरस। बापूजी आप बैठे ना, आप नाश्ता कर लीजिए ना। अरे नहीं नहीं बहू, सुंदर को आ जाने दे, उसके साथ ही नाश्ता करूंगा। ओहो, फिर तो कर चुके आप नाश्ता। मतलब पता नहीं है ना वो एग्जैक्टली कब आ रहा है, तो कब तक राह देखेंगे बापूजी आप, इसलिए आप नाश्ता कर लीजिए। और तू? नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना है बापूजी। क्यों? हमारे बहू ने इतना अच्छा नाश्ता बनाया है और तू मना कर रहा है। वो नाश्ता करने का मूड नहीं है बापूजी। अरे सुंदर ही आ रहा है और आपका मूड नहीं है। अरे वो आने वाला है इसीलिए मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है? भूख ना होने पर लोग नाश्ता या खाना नहीं खाते, ये तो सुना था, लेकिन मूड ना होने पर नहीं खाना, ये तो तू कुछ नया लेकर आया जेठिया। मूड नहीं है मतलब वो थोड़ी पेट में गड़बड़ है बापूजी। अरे पेट में गड़बड़ है तो हाथीड़ा को दिखा दे। नहीं नहीं, हाथी भाई को दिखाना पड़े इतना भी कुछ सीरियस नहीं है, छोटी सी बदहजमी लग रही है और ठीक हो जाएगी। ठीक नहीं भी हुई तो सुंदर ही रहेगा ना, तो बदहजमी ठीक हो जाएगी। अरे वो क्या मेरी बदहजमी ठीक करेगा, इस बार तो मेरी वजह से उसको ऐसी बदहजमी होने वाली है कि आइंदा मुझे आंटी में लेने से पहले दो बार सोचेगा। चलो मैं दुकान जाता हूँ। अरे चाय भी नहीं पीनी है? अरे हाँ, चाय पी के निकलता हूँ, चाय बना दे। ओ भाई जरा जल्दी चला दे। हाँ कहीं सुंदर भाई के जीजाजी दुकान के लिए निकल नहीं जावे। ए बक्का, ऐसा हो ही नहीं सकता, माई डियर जीजाजी मुझसे मिले बगैर दुकान चले जाए, ऐसा योग उनकी कुंडली में लिखा ही नहीं है। फिर भी भाई जरा जल्दी चला। अबे आ गया भाड़ा, चल फटाफट फटाफट। चलो फ्रेंड्स अब कैश प्रैक्टिस करते, ठीक है? सॉरी टप्पू, वो क्या है ना, तूने शॉर्ट बॉल फास्ट मारा इसके लिए मैं पकड़ नहीं पाया, वरना मैं आराम से पकड़ लेता। गोगी आज अपने कॉलेज में इंपॉर्टेंट मैच है और सामने वाली टीम का बैट्समैन ऐसे मारेगा तो उसको कंप्लेंट करेगा। और वैसे भी गोगी लास्ट टाइम जो तूने कैच छोड़ा था ना, वो बैट्समैन ने कितने रन मारे थे पता है ना? उत्तरी हाँ। वो तो अच्छा है, एंड मोमेंट पे टप्पू ने धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट मार के हमें जिता दिया था, वरना तूने तो भाई। ओए पिंकू, वो तो टप्पू से ऐसे हेलीकॉप्टर शॉट लग गया था, वरना लगने नहीं वाला था। अरे अच्छा ऐसे लग गया था, बोली बॉल बाहर। सुंदर मामा, सबसे पहले तो आपकी नई दुकान के लिए मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। भाई ऐसे कांग्रेचुलेशन थोड़ी दी ना जाती है, बताइए तो गले मिलके दी जाती है। सुंदर मामा आज हमारे कॉलेज टूर्नामेंट का एक इम्पोर्टेंट मैच है। जीत गया ना? अरे सुंदर मामा, ये भी कोई बोलने की बात है, मैंने अपने मामा की तरह कभी हारना सीखा ही नहीं है। अच्छा रुके रुके, मैं मम्मी और पापा को बुला के लेके आता हूँ। मम्मी पापा दादाजी जल्दी आइए, मम्मी पापा जल्दी नीचे आइए। ये तो टपुड़ा किया होगा, क्या हुआ होगा? चलो जल्दी।
नीचे चलो चलो जल्दी आइए नीचे। मेहता अंकल, अंजलि आंटी, मेहता अंकल, अंजलि आंटी, बाहर आइए। पोपट अंकल, अरे क्या हुआ टप्पू? पीड़ित अंकल सुंदर मामा है, जल्दी नीचे आइए आप। अरे हाँ, अरे सुंदर अरे अरे आया आया। अरे सुंदर सुंदर भाई खूब खूब अभिनंदन। हाँ सुंदर भाई ढेर सारे कंग्रेचुलेशन आपको, एंड आई एम श्योर आप हमेशा की तरह खूब सारी धमाल मचाओगे। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी पूरी गोकुलम सोसाइटी की ओर से तुम्हें अभिनंदन करता हूँ। मेरे गोकुल धाम के भाई हो बहनों, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे और जेठा जी आपको भी कंग्रेचुलेशन। अरे जेठा जी आपको कंग्रेचुलेशन तो बनता है ना, आपके साले साहब भी आपके रास्ते पे जो चल पड़े। बेचारे बबीता जी कितने भोले हैं, उनको पता ही नहीं है ये रास्ते पर चलने वाला नहीं बिल्ली की तरह रास्ता काटने वाला है। दोस्तों कुछ लोगों की हॉबी होती है कागज पर रंग लगाना, कुछ लोगों की हॉबी होती है दीवार पर रंग लगाना, लेकिन सुंदरलाल जो मेरे परम मित्र जेठालाल के साले हैं उनकी हॉबी है जेठालाल को चूना लगाना, और जेठालाल को चूना लगाने के लिए वो गोकुल धाम में आ भी गए। लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल ने इस बार ये फैसला किया है कि वो सुंदरलाल के झांसे में आएंगे नहीं और बराबर का जवाब देंगे सुंदरलाल। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि सुंदरलाल के पास क्या तिकड़म है, क्या चाल है जिससे वो जेठालाल को झांसे में लेना चाहते हैं, और देखने वाली बात यह भी है कि सुंदरलाल की चाल में जेठालाल फंसेंगे या बचेंगे। साले और जीजा के बीच का मुकाबला बिल्कुल 2020 की तरह, तो अपनी अपनी सीट पकड़ के बैठिएगा और इस रोमांचक मुकाबले को देखिएगा। आप देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.